हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बदन क्रिएशंस में बहुत ही स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाइनिंग वाली कुर्ती में गला कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने गले की कटिंग कर ली है, तो ये बैक पार्ट की कटिंग करी हुई है मैंने। तो बैक पार्ट के लिए जितनी भी आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए उतना आप चौड़ाई में और लंबाई में गले को कट कर लीजिए, और जिस शेप में आप इसे कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लेंगे लाइनिंग वाला पीस। तो लाइनिंग वाले पीस को मैंने ऑलरेडी इसकी मेज़रमेंट का कट किया हुआ है, बट इसमें गले की जो काट है वो मैंने नहीं करी हुई है, तो वो उसे मैं आपके सामने करके बताऊँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड मेरे राइट हैंड की साइड पर है, और इसके ऊपर हम इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। जिस भी शेप में आपने इसे कट किया है उसी शेप में आप इसे ड्रॉ करके इसी मेजरमेंट का कट कर लीजिएगा। ये देखिए, इससे पहले भी मैंने आपके साथ नेक डिज़ाइन के आइडियाज़ शेयर कर रखे हैं, और लाइनिंग वाली कुर्ती में हम गले को कैसे अटैच करते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। और जिस वाली कुर्ती में ऑलरेडी रेडीमेड गला बना होता है तो उसमें हम लाइनिंग कैसे अटैच करते हैं उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऐसे ही यूज़फुल आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक को मैं ऐसे इस तरह से सीधा करके रखूँगी, और इस तरह से सीधा रखने के बाद अब हम लाइनिंग वाले जो पीस है जिसके ऊपर हमने गले की जो कटिंग करी है वो इसके नीचे है, तो उसको मैं इसके ऊपर फ्रंट पर रखूँगी इस तरह से। तो ये इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ नीचे की तरफ को है। उसके बाद हम लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं, पिनअप करके भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। उसके बाद अब हम बस आपको यही ध्यान रखना है कि सीधे वाली साइड आपको ऊपर की तरफ को रखनी है और जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ को रखनी है, और उसके ऊपर हमने जो लाइनिंग को कट किया है उसी लाइनिंग को रख के इसके ऊपर एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके साइड पे सिलाई लगा देंगे। तो जब तक मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप मेरे चैनल पे बचे हुए फैब्रिक से रीयूज आइडियाज़ और बची हुई कतरनों से डोरमैट के आइडियाज़, बेडशीट के आइडियाज़ और कुशन कवर के आइडियाज़ मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसमें मैंने हाल ही में एक बहुत ही सुंदर बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसे आप भरपूर प्यार दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ इसे भी आप ज़रूर भरपूर प्यार देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती हो और आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं बहुत और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बहुत ही ईजी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगाने के बाद इसको टर्न कर दिया है। अब देखिए, इस तरह से हमारी ये सीधी साइड ऊपर की तरफ को आ गई है। उसके बाद हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी हो जाएगी, और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो मेन फैब्रिक के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग से रेबदार पट्टी लगा के अलग से गले को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिली हुई है, आप उसे देख के उसे भी सीख सकते हैं। इस तरह से हम इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे, और जो भी हमारी कुर्ती की शेप है उसी शेप में हम इसकी स्टिचिंग करते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपके साथ रीयूज़ आइडियाज़ अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, जिसमें आप वेस्ट मटेरियल से वॉल हैंगिंग, वॉल डेकर के आइडियाज़ मिल जाएंगे, और आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा किसी ना किसी के साथ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे स्टिच करते हुए फाइनल स्टिचिंग तक कर लूँगी।
ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमारे जो नेक की एग्जैक्ट शेप है और एग्जैक्ट जो लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है, तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।